देखिए ये रहे लक्ष्मी के मौसा जी। देखिए सीता भी आई है। खोल के ले आ जा कम से कम। नहीं इससे ये पानी नीचे हुई है, ये जब सीता। और देखिए इधर से कविता जी भी आ गए दोस्तों, चाय लेकर के, गर्मा गर्म चाय बना हुआ है। देखिए इधर से सारे बच्चे आ गए दोस्तों, देखो क्या चीज ला दी है दीदी। देखिए इधर से पिताजी भी आ गए। देखिए कविता जी पहले ही आए हुए हैं और अभी मकई तोड़ रहे हैं क्या जी। देखिए दुबराज भी आ गया मकई तोड़ने के लिए। तो देखिए इतना सारा मकई हम लोग तोड़ लिए दोस्तों। ये उल्टा नहीं, अब चलते हैं देते हैं इन लोग को खाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और देखिए आज भी पूरा एकदम बादल ढका हुआ है दोस्तों, और झिमिर झिमिर बारिश आज भी हो रहा है। कल तो बारिश हुआ ही था, कल आकर के छूट गया था, लेकिन आज देखिए सुबह से जो लगा दिया इस तरह से एकदम झिमिर झिमिर पानी, अभी तक छूट नहीं रहा है और भी काला काला बादल ढकते हुए आ रहा है। तो पता नहीं इसी तरह से मौसम रहेगा कि बादल साफ भी होगा, पता ही नहीं चल रहा है अभी। तो उसी की वजह से हम लोग का कुछ काम नहीं हो पा रहा है दोस्तों। हम लोग सोच रहे थे कि आज ये वाला पिंडा को हम लोग बनवा देंगे, आज मिस्त्री लोग को बुलाएंगे, लेकिन पानी ही आ रहा है इतना ना कि क्या ही बोले एकदम। वो लोग भी नहीं आ रहे हैं बारिश की वजह से। तब पता नहीं कब तक बारिश छूटेगा, कब तक मिस्त्री लोग आएंगे, फिर हमारा घर का काम कब तक कम्प्लीट होगा। यही सब का बहुत ज़्यादा चिंता लगा हुआ रहता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये पानी आते रहता है ना, बड़ा ख़राब लगता है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बारी तरफ, क्योंकि अभी हल्का हल्का बारिश छूटा हुआ है। तो चल करके देखते हैं कैसा हो गया है हम लोग का बारी, है ना जी। देखिए हम लोग का बारी कितना ज़्यादा गजार है, ये देखिए यहाँ पर सब फसल लगा दिए हैं ना, तो एकदम पूरा गजार दिख रहा है। देखिए ये रहा पेक्षी और देखिए ये सब रहा राहर, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है ना जी। और भी देखिए कुछ कुछ हम लोग फसल लगा दिए हैं दोस्तों। देखिए ये रहा बैंगन का पौधा, ये भी फलेगा कुछ दिनों में क्या जी। देखिए उधर भी है, और देखिए बारी के साइड साइड में फूल वगैरह भी लगा दिए हैं दोस्तों। ये देखिए वो सब रहा गेंदा का फूल, और उधर देखिए तुलसी का पौधा है, फिर गेंदा का फूल है। इस तरह से साइड साइड में पूरा एकदम लगा दिए हैं बढ़िया तरह से, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये सब घास को एक दिन पूरा एकदम कबाड़ देंगे, पूरा साफ कर देंगे और भी अच्छा लगेगा। लेकिन बारिश ही नहीं छूट रहा है पूरी तरह से, इसीलिए हम लोग जो है इस सबको साफ नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए एक आध पीस हम लोग करेला का भी लर लगा दिए हैं दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा लर चला हुआ है, कुछ दिन के बाद में फलना शुरू हो जाएगा। और नीचे देखिए दोस्तों बादाम बारे में, बादाम कोड़ के लाया हुआ है चूहा सब खाने के लिए। ये देखिए ये सारा बादाम है, देखिए सब खा करके कैसा कर दिया है। ये देखिए आगे तरफ उधर बिल भी है। तो यही सब का दिक्कत रहता है दोस्तों हम लोग को पहाड़ी एरिया में। इधर जंगल में पूरा एकदम बैल बकरी ला करके छोड़ देते हैं, उसका परेशानी अलग। चूहा वगैरह इधर कुछ कुछ हो जाता है तो वो सब खाने में लग जाते हैं। यानी कि कुल मिला करके ना हम लोग को यहाँ नुकसान ही करने में लगा हुआ रहता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ अगर नहीं लगाएंगे फसल वगैरह तो मतलब दिक्कत हो जाता है। हम लोग खाने के लिए तरसते रहते हैं, फिर हम लोग खरीद करके लाएंगे फिर खाएंगे। उससे बढ़िया है कि हम लोग का जमीन वगैरह सब है, हम लोग करके खाएंगे, लेकिन रहने ही नहीं देता है, कुछ होने ही नहीं देता है। किसी तरह से हम लोग करके लाते हैं तो फिर हम लोग को चूहा खा जाता है, या तो फिर कुछ कुछ जो है जंगली जानवर सब खा जाता है, या फिर बैल बकरी सब खा जाता है। यही सब का दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोग को। और इधर देखिए दोस्तों बारी के साइड साइड में हम लोग कपास वगैरह लगा दिए हैं, तो कितना अच्छा फूला हुआ है। ये देखिए जितना बारिश इसको मिल रहा है ना उतना बढ़िया फूल आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा फूला हुआ है, पीला पीला, और भी उधर एकदम फूला हुआ है। ये देखिए और पूरा बड़ा बड़ा फूल है। अब यहाँ पर रुइया भरेगा एकदम, हम लोग कुछ कुछ जमा किए हुए हैं रुइया सब, वो सब रुइया को हम लोग बाद में तकिया वगैरह बनाने में काम लाएंगे, इसीलिए हम लोग रुइया सबको जमा किए हुए हैं, बाद में तकिया वगैरह बनाएंगे क्या जी। और इधर देखिए लक्ष्मी को आज सुबह सुबह ही एकदम पूरा तैयार होकर के है क्या लक्ष्मी। देखिए होंठ लाली सब लगाई है, पूरा फ्रेश रहती है एकदम। चलो ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों घर तरफ। अभी भी झिमिर झिमिर बारिश हो रहा है एकदम, तुरंत शुरू कर देता है। और देखिए हम लोग का बैंगन फूलना शुरू हो गया है, ये देखिए कैसा फूल दिया हुआ है, कितना अच्छा फूला हुआ है एकदम। और देखिए बैंगन का पौधा भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों, देखिए कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसको जो है ना पूरा बारिश वगैरह मिल रहा है ना, तो बहुत बड़ा हो गया है। अब हम लोग का बैंगन भी फलेगा दोस्तों, हम लोग का सब्जी यहीं से निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन चूहा वगैरह नहीं काटेगा ना तब ठीक होगा, नहीं तो अगर चूहा वगैरह काट दिया तो बैंगन को भी एकदम बर्बाद कर देगा।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेक्ची का पत्ता में कितना अच्छा पानी जमा हुआ है, ये देखिए अपने आप इस तरह से जम जाता है। और देखिए पानी की इधर उधर कर रहे हैं फिर भी सड़ता नहीं है। इस सबको जितना पानी मिलेगा ना उतना बढ़िया रहता है, कभी नहीं भींगेगा ये सब। तो अभी तो इन दिनों बारिश की वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा है दोस्तों, अब पता नहीं कब तक बारिश वगैरह पूरी तरह से छूटेगा, बढ़िया से छूटेगा, उसके बाद ही हम लोग घर का काम करवा पाएंगे। हम लोग को इधर पुट्टी वगैरह भी लगवाना था, रेस्टिक वगैरह, लेकिन बारिश होने के कारण से ना ये सब काम रुका हुआ है। और कविता जी का भी कुछ दिनों से तबीयत खराब था दोस्तों, तो उसमें भी बिजी रह गए, इसीलिए हम लोग इस सब का काम नहीं करवा पाए। तो अब पता नहीं अब कब तक हम लोग का काम हो पाएगा। आप कविता जी तो धीरे धीरे सरिया रहे हैं, अगर बारिश वगैरह पूरी तरह से छूट जाएगा ना उसके बाद में ये भी सही हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा मोड़ा बारिश वगैरह होते रहता है तो कुछ कुछ काम के लिए इधर उधर जाना ही पड़ता है, तो भींग जाते हैं, तो उसी की वजह से तबीयत खराब हो जाता है इनका। तो अब देखते हैं कब तक बारिश पूरी तरह से छूटता है, जैसे ही छूट जाएगा उसके बाद में फिर हम लोग घर का काम में लग जाएंगे, क्या जी। और देखिए लक्ष्मी को, लक्ष्मी भी पूरा एकदम मायूस है, इसको भी तबीयत वगैरह खराब होते रहता है, और बारिश जैसे ही देखती है ना तो ये दौड़ करके बाहर निकल जाती है, इसको मजा लगता है पानी में भींगने से, तो इसीलिए इसको जो है ना पूरा एकदम सहियार करके रखना पड़ता है कविता जी को, एकदम छोड़ने नहीं छोड़ती है। तो अभी हम लोग बैठे ही हैं दोस्तों, और लक्ष्मी चली गई सोने के लिए, है ना जी। तो अब हम लोग भी चलते हैं, खाना पीना खाते हैं। चलिए जी खाना लगाइए, खाना है ना, है खाना, चलिए लगा लीजिए, इधर ही खाएंगे, बांट करके ले आइए। अभी ऐसा बारिश में किसी तरह से खाना बन रहा है दोस्तों, बड़ी मुश्किल होता है खाना बनाने में, क्योंकि पानी छूटता ही नहीं है एकदम, थोड़ा सा छूटता है उसके बाद में फिर देने लगता है, तो बड़ा मुश्किल से कविता जी खाना वगैरह बनाते हैं। तभी गए हैं खाना वगैरह लगाने के लिए, खाना लेकर के आएंगे और खाएंगे। अभी दाल खत्म हो गई, दाल खत्म हो गई। तो देखिए आज खाने में बना हुआ है दोस्तों भात और आलू और भिंडी का भुंजिया, दाल भी बना हुआ था लेकिन वो खत्म हो गया, क्योंकि मेहमान लोग कुछ आए हुए थे तो वही लोग को दिए तो खत्म हो गया। हम लोग भी एक बार खाए हुए हैं, ये दूसरा बार खाने जा रहे हैं, इसीलिए दाल नहीं भी है तो चलेगा, भुंजिया से ही खा लेंगे। पानी गर्म है। तो हमारा खाना पीना हो चुका है दोस्तों, और अभी अभी हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, और हमारे घर मेहमान कौन कौन आए हुए हैं दोस्तों, चलिए आप लोग को मिलवाते हैं। देखिए ये रहे लक्ष्मी के मौसा जी, अभी जस्ट आए हुए हैं और अभी बैठे हुए हैं। और देखिए ये लक्ष्मी की मौसी, और देखिए अभी कविता जी चाय बनाने के लिए जा रहे हैं, पानी उन्हें दिए जी, सब हो गया। और देखिए इधर से आ रहा है दुबराज बाबू, पूरा भींगते भींगते आ गया ना, नहीं भींगा है, चलो चलेगा। देखिए सीता भी आई है, क्या सीता ठीक है, जल्दी आओ मियां, हाँ वो कलवर घर में। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग कलवर घर तरफ, सारो जी को दिखाते हैं कलवर घर का स्थिति क्या हो गया है बारिश में। अभी ऐसा बारिश में चारों तरफ से पानी निकल रहा है दोस्तों, वही वाला देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए पूरा एकदम गीला उठ गया है, पूरा अंदर ले जा रहा का वैला, सब खोली देवे तो खोली कौन खोली देवे, सोच रहा है हुआ रंग पेंट करा लो यार, हुए ले जाबे यार, सेट करबे नहीं तो सेट कर ले बाद कर नहीं, इससे ये पानी नीचे हुई ला, ये जब से करे ना। और देखिए इधर से कविता जी भी आ गए दोस्तों चाय लेकर के, गर्मा गर्म चाय बना हुआ है, क्या लक्ष्मी चाय पिएगी, तुम मत पियो चाय, बच्चा लोग नहीं पीते हैं। चलिए अब गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं सभी को ऐसा बारिश के मौसम में, क्या लक्ष्मी, लक्ष्मी सो के उठी हुई है ना इसलिए कुछ नहीं बोल रही है, अभी मौसा जी के साथ है। सोचा है कि पनिया छूटते ही बाद फिर यहाँ चिकनाबो यार, फिर यहाँ रह लगे। तो पूजा करके उठला तब है। देखिए इधर से सारे बच्चे आ गए दोस्तों, ये देखिए एकदम हम लोग का घर अब बच्चा से भर गया एकदम, कितना अच्छा लग रहा है, सब बच्चा लोग एकदम झरना तरफ गए थे उधर खेलने के लिए, उधर सभी अभी आए हुए हैं, क्या जुली सब ठीक है, झरना लोग झरना देख करके खुश हो गए, क्योंकि अभी चारों तरफ पानी बह रहा है ना,
तो बहुत अच्छा दृश्य है एकदम, जैसे मजा आता है बहुत टाइम में। लक्ष्मी देखो क्या चीज ला दी है दीदी, लो खाने वाला सामान। लक्ष्मी नहीं पकड़ेगी अभी, दे हम जला दे। तो आग अभी बढ़िया तरह से जल गया है दोस्तों, देखिए मोटा मोटा लकड़ी लगा दिए हैं। देखिए इधर से पिताजी भी आ गए। सब बच्चा बुतरू लोग भी आए हुए हैं। तो आग तो हम लोग का जल ही गया है दोस्तों, अब चलते हैं मकई लेकर के आते हैं बारी से। देखिये कविता जी पहले ही आए हुए हैं और अभी मकई तोड़ रहे हैं क्या जी। देखिए कविता जी इतना मकई तोड़े हुए हैं, कितना पीस है जी, 5 गो दीजिए ना। वो बारी में बड़ा बड़ा होगा लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा पहले इतना पका लेते हैं उसके बाद में फिर लेकर के आते हैं दूसरा वाला। देखिए ये सब पूरा गादर मकई है, देखिए छोटा ही है लेकिन पूरा गादरा गया होगा। देखिए कविता जी फट फट तोड़ने में लगे हुए हैं, दाना है जी उस सब में। देखिए दुबराज भी आ गया मकई तोड़ने के लिए, क्या बाबू गादर गादर देखते हैं और तोड़ते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए इतना सारा मकई हम लोग तोड़ लिए दोस्तों, अब चलते हैं इसको छील करके पकाते हैं अब क्या जी। आइए इधर से नहीं उठने सकेगा। तो देखिए आग पूरा लहलहाने लगा दोस्तों, देखिए कितना मस्त जल रहा है एकदम। और देखिए उधर अभी कविता जी मकई छोड़ाना शुरू कर दिए, जैसे ही आग हो जाएगा उसके बाद में झेंक देंगे। चलिए अब हम भी फटाफट छोड़ाते हैं। देखिए छोटा छोटा ही है लेकिन देखिए कितना बढ़िया बढ़िया दाना है, ये प्योर देसी वाला है इसीलिए बड़ा बड़ा बाइल नहीं होता है, छोटा छोटा ही रहता है। ये थोड़ा सा ज्यादा जो आ गया है। लेकिन गादर है, पाकल नहीं है ये। तो सारा मकई का छिलका छुड़ा लिए दोस्तों, देखिए इतना सारा मकई हम लोग के पास है, अब चलते हैं आराम से झेंक देते हैं। देखिए आग भी हो ही गया है, चलिए डालिए अब। ठेंगा बना है जी, बनाना नहीं पड़ेगा, डालिए ना सही। आग अभी बढ़िया है, जल्दी पकेगा। देखिए आग जलाने का देसी जुगाड़, एगो गमला दूगो गमला उसके ऊपर में आग। तो कुछ कुछ मकई पक गया है दोस्तों, अभी सबको निकालेंगे और देंगे खाने के लिए। बच्चा लोग अभी किधर किधर चला गया खेलने के लिए, नहीं पका है जी, निकालिए तो निकालिए। कहाँ है, चलिए अब इसको निकालिए, ये भी पक गया है। चलिए इतना तो पक गया, 4 गो अब चलते हैं देते हैं इन लोग को खाने के लिए। ले टेस्ट करके देखा, एकदम देसी वाला मकई खाए के देखा कैसा लगा है। ये उल्टा नहीं नहीं लक्ष्मी, सब लक्ष्मी के दीदी दादा सब आइला थी नहीं लक्ष्मी ले। तो चलिए सभी मेहमान लोग को मकई वगैरह खिला दिए दोस्तों और साथ में हम लोग भी खाए, काफी मजा आया देसी मकई खाने में क्या जी। और अभी अभी धूप भी उग गया है दोस्तों, तो अब चलते हैं सारो जी को घुमा देते हैं इधर, नजारा वगैरह दिखाते हैं अपना झरना तरफ का।
तो चलिए इस वीडियो का हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। Bye-bye. 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 Bye-bye.